मजा आया शुक्ला जी? पान कैसा रहा शुक्ला जी? फंटास्टिक। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी।
मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे वृद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते
नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं। फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज़ बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MMA एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं। फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए।
फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे एफ
ए फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसके रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद
द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटोर रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था।
आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं। फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी? अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है।
फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MMA एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा।
सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में
लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज़ की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे।
एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAVA एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़
और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAV एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAV एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है।
छायांकन इसका डूडले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूडले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा
मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एम अवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे एफ ए फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एम अवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे एफ ए फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था।
आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाई, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज़ बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाई, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है।
फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAV एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा।
सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं। फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में
लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे।
एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAV एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़
और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAVI एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAVI एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है।
छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसके रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगित भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा
मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटोर रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख को बार बार टालना पड़ा था।
आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं। फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी? अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी? सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए, फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है।
फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MFA एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोसला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डुटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊँगा।
सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज़ की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 को मोर बटाव रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में
लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से। अप्रैल 2021 तक कोविड 19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड 19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन कोविड 19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज़ की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक कोविड 19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते कोविड 19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और एमवे एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे।
एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगिति मिली। इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते, जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है, जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MAVI एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनुप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़
और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MMA एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है। छायांकन इसका डूटले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोषला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और मुंबई में अंततः पूरा होता हुआ खबरों के हवाले से खबर आई। आगे इसकी रिहाई देखते हैं, फिल्म की रिहाई किस तरीके से थी। अप्रैल 2021 तक COVID-19 महामारी और मामलों की वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को बार बार टालना पड़ा था। आखिरकार फिल्म 25 नवंबर 2021 को जारी होने में कामयाब हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से समीक्षकाएं मिली थी। सत्यमेव जयते 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.22 करोड़ कमाई, दूसरे दिन फिल्म ने 1.92 करोड़ कमाए। फिल्म के तीसरे दिन 2.12 करोड़ बटा रैली। 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने सिर्फ 15.80 करोड़ और विदेशों में 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में इसे 17 करोड़ से ज़्यादा का संकलन करते हुए नहीं देखा जा सकता बताया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आज मैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के अन्य कुछ बातें और फिल्म के रिव्यूज बताऊंगा। सत्यमेव जयते COVID-19 महामारी के चलते इसे कई बार स्थगित मिली, इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म को 25 नवंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई। सत्यमेव जयते जिसमें अनन्या और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई के ऊपर यह कहानी आधारित है। जावेद द्वारा मिलब झावेरी और इसे लिखित और निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक फिल्म माना गया। यह एक एक्शन और क्राइम फिल्म थी। सत्यमेव जयते 2 टी सीरीज और MMA एंटरटेनमेंट के द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म सत्यमेव जयते नामक की पहली श्रृंखला की अगली कड़ी के तौर पर जारी होती है। इसमें पिछली फिल्म के अंदर भूमिका करने वाले मुख्य भूमिका के साथ साथ जॉन अब्राहम फिर से अभिनय करेंगे। एक आधिकारिक सीक्वल के साथ इसमें दिव्या घोषला, राजू पिल्लई, अनूप सोनी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं की। हालांकि फिल्म का ध्यान केंद्रित करते हुए जॉन अब्राहम इस फिल्म में ट्रिपल भूमिका में नजर आएंगे। वे रुद्धि के कारण रिलीज में काफ़ी स्थगिति भी देखते हैं। यह एक व्यावसायिक रूप से पूरी तरह अविफल है। फिल्म ने अपना बजट 95 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देरी से शुरू हुई। इसे बॉक्स ऑफिस पर 17.95 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने का अवसर नहीं मिला। इसकी लंबाई 138 मिनट की थी। देश इसका भारत, इसकी भाषा हिंदी थी। इसे FA फिल्म के द्वारा वितरित किया गया है। संगीत इसके संजय चौधरी के द्वारा दिए गए थे, जबकि इसे संपादन में माहिर झावेरी के द्वारा बनाया गया है।
छायांकन इसका डूडले का था। अभिनय इसमें जॉन अब्राहम और दिव्या घोसला कुमार ने मिलकर किया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 नवंबर 2021 की थी। मुंबई और रायबरेली जाने से पहले सत्यमेव जयते के लिए एक मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2020 को ही लखनऊ में शुरू करने का फैसला हुआ। फिल्मांकन जनवरी 2021 में लखनऊ में और